झांसी के शहीद स्टेडियम में हरियाणा के होमगार्ड जवानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन किया गया। होमगार्ड जवानों ने बताया कि आज होमगार्ड जवानों को हरियाणा में साल में महज 3 महीने ड्यूटी मिलती है, जिससे उनके परिवार का पेट पालना बेहद मुश्किल है। क्या 12 महीनों में 3 महीने ड्यूटी करने के बाद क्या कोई होमगार्ड का जवान अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है? इन्हीं चंद मांगों को लेकर होमगार्ड के जवानों ने कई बार सरकार और सरकारी तंत्र को इस बाबत चेता चुके हैं, मगर कहानी वही डाक के 3 पात। सिवाय झूठे आश्वासनों के इन होमगार्ड के जवानों को अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इनकी मांग है कि इनकी ड्यूटी को नियमित बनाया जाए, समय पर वेतन, हरियाणा पुलिस विभाग के बराबर का वेतन इन्हें मिलना चाहिए। सर, आज हरियाणा आल होमगार्ड की आज एक बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा के सभी जिलों से सभी साथी जवान पहुंचे हैं, और जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि हम जवानों को नियमित ड्यूटी मिलनी चाहिए। जो होमगार्ड के जवान हैं, 3 महीने ड्यूटी मिलती है उनको और साल में, और वो बेरोजगार रहते हैं, हमारी नियमित ड्यूटी मिलनी चाहिए, और पुलिस के जवान के बराबर हमारा वेतन मिलना चाहिए, और जो हमारी सैलरी आती है वो हर महीने हमारे अकाउंट में आनी चाहिए, और हमें जो पुलिस में जो ठंडी और गर्म वर्दी मिलती है हमें वो वर्दी हर साल मिलनी चाहिए, और हमारी तनख्वाह जो है हर महीने अकाउंट में आनी चाहिए। हमें सभी जवानों का किराया माफ़ होना चाहिए, जो रोडवेज हरियाणा रोडवेज की जो बस है उसमें हमारा किराया माफ़ होना चाहिए, और हमारा जो बजट आता है होमगार्ड का, जो पुलिस के डिपार्टमेंट से आता है, वो होमगार्ड के डिपार्टमेंट से ही आए, ताकि हम अपना जीवन निर्वाह कर सके। सरकार को अल्टीमेटम में चेतावनी देते हुए भी इन्होंने अपने मंसूबे साफ किए। इन होमगार्ड के जवानों ने कहा, अगर इनकी मांगों को सरकार ने जल्द ही पूरा ना किया तो ये सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मोर्चा खोल देंगे और आने वाली 10 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। हम सरकार मांगे नहीं मानेंगे जाती तो हम 10 तारीख को विधानसभा चंडीगढ़ के अंदर घेराव करेंगे, और जब तक हम वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हांसी से केशव धमीजा की रिपोर्ट। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.